Good day to all of you student. Today I shall teach you class 10th geography lesson 3 water resources, and it's a part 3 of this lesson. Student, it's a part 3 and it starts from here. Narmada Bachao Andolan or Save Narmada Movement. Narmada Bachao Andolan or Save kehte Narmada Bachao. Student, it's in Hindi ke Save Narmada Movement ke Narmada ko bachane ke liye andolan shuru kiya gaya. Is a non-government organization that mobilized tribal people, farmers, environmentalists and human rights activists against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat. Student, Narmada Bachao Andolan or Narmada Bachao Save Narmada Movement jo hai ye shuru kiya gaya hai, isko jo hai NGO ne start kiya, non-government organization ne start kiya, aur isme kaun the, kuch tribal log the और किसान थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर के जो वहाँ पे किनारे पे जो है इसको सरदार सरोवर डैम जो है बनाया गया गुजरात में, तो इसके अगेंस्ट में जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया. गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम बनाया गया और इसके अगेंस्ट में ह्यूमन राइट एनवायरमेंटलिस्ट ट्राइबल लोग, फार्मर्स, किसान, ये सभी जो थे एनजीओ थे, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, और इन्होंने जो आंदोलन चलाया नर्मदा बचाओ आंदोलन. इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड टू द ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज अंडर द डैम वाटर. एंड इट ओरिजिनली फोकस्ड, और इनका फोकस क्या था, ये इन्होंने जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया तो इनका फोकस ये था, एनवायरमेंटल इशू फोकस था, रिलेटेड टू द ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज अंडर द डैम वाटर. कहते डैम बनाने के लिए जो बहुत सारे पेड़ों को काटा गया था, तो इनका एनवायरमेंटल इशू था कि पेड़ों को काटा गया है और फिर जो है डैम बनाया गया, ये इनका इशू था. रिसेंटली इट हैज़ रीफोकस द एम टू एनेबल पुअर सिटीजन्स स्पेशली द ऑस्टी डिस्प्लेस्ड पीपल टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट. और कहते रिसेंटली, अभी क्या है स्टूडेंट, रिसेंटली इट हैज़ रीफोकस्ड, और अभी जो है इसने ये रीफोकस किया है. पहले तो फोकस ये था कि एनवायरनमेंट पे फोकस था क्योंकि पेड़ों को काट दिया गया था, अब जो है दोबारा रीफोकस इसलिए किया गया है कि जो गरीब सिटीजन है, जो पुअर लोग हैं, स्पेशली द ऑस्टीज, ऑस्टीज वो होते हैं डिस्प्लेस्ड पीपल, जिनको जो डैम बनाने से पहले जो लोग रहते थे उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया, टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट. और वो ये चाहते थे कि हमें जो है गवर्नमेंट से, सरकार से जो है फैसिलिटी मिले रहने के लिए, क्योंकि वो घर से बेघर हो चुके थे. पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन, और लोगों ने ये महसूस किया कि उनके जो कष्ट हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे जो वो संघर्ष कर रहे हैं. एक्सेप्टेड द ट्रॉमा ऑफ डिसप्लेसमेंट बिलीविंग इन द प्रॉमिस ऑफ इरीगेटेड फील्ड एंड प्लेंटीफुल हार्वेस्ट. और कहते लोग जो थे उन वो डिस्प्लेस तो हो गए, एक घर से दूसरी जगह जो है वो घर से बेघर हो गए, क्योंकि डैम बनाने की वजह से उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया गया, फिर डैम बनाए गए. तो लोगों ने कहा, उन्होंने सफ़र तो किया लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा, और उन्होंने इस ट्रॉमा को जो है, ट्रॉमा ऑफ डिसप्लेसमेंट, और जो वो घर से बेघर हो गए थे, इसको जो है उन्होंने स्वीकार किया, बर्दाश्त किया, क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि इरिगेटेड फील्ड्स के डैम का पानी जो है इरिगेशन में यूज़ होगा, प्लेंटीफुल हार्वेस्ट अच्छी होगी, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया था. लेकिन उनको ये दिक्कत थी कि उनको दोबारा से जो है रहने के लिए घर नहीं मिला. सो ऑफन द सर्वाइवर्स ऑफ रिहंड told us that they accepted their suffering as sacrifice for the sake of their nation. और कहते जो वहाँ पे रिहंड में जो रहने वाले लोग थे, सर्वाइवर थे वहाँ के, उन्होंने हमें बताया कि दे एक्सेप्टेड देयर सफरिंग्स, कि उन्होंने इस सफरिंग को, इन मुसीबतों को जो है स्वीकार कर लिया, उन्होंने ये सोचा कि हमने जो है नेशन के लिए अपने आप का बलिदान दिया है. बट नाउ आफ्टर 30 बिटर ईयर्स ऑफ बींग एडरिफ्ट, कहते अब तो उन्हें ये लगता है कि 30 साल हो गए हमें भटकते हुए, their livelihood having even being more precarious, कहते उनकी जो livelihood है वो जो है बहुत ही कहते दुखदाई है, वो दोबारा से अपना जो है आजीविका को ढंग से कमा नहीं सके. they keep asking, वो हमेशा यही कहते रहते हैं, are we the only ones chosen to make sacrifice for the nation?
और वो लोग जो घर से बेघर हो गए थे, उनका ठिकाना नहीं मिला, उनकी जीविका पे असर हुआ, और उन 30 साल के बाद भी जो है उनकी ज़िंदगी जो है एक रास्ते में नहीं आई, एक ट्रैक पे नहीं आई। तो वो हमेशा यही कहते हैं, आर वी द ओनली वंस चोजन, क्या हम ही चुने गए हैं देश की कुर्बानी के लिए। सो स्टूडेंट, इट्स ए सोर्स रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है। डू यू नो, क्या आप जानते हो स्टूडेंट्स, सरदार सरोवर डैम हैज़ बिन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। क्या आपको पता है गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर जो है सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट्स। और कहते हैं ये जो है जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर, ये जो है एक सबसे बड़ा पानी का सोर्स है, रिसोर्स है, ये रिसोर्स प्रोजेक्ट है, और ये 4 स्टेट्स को कवर करता है भारत की, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रॉन एंड डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात। और द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है ये प्रोजेक्ट है, और ये इसलिए है कि ये ज़रूरत को पूरा करेगा जहाँ पे ड्रॉट प्रॉन एरिया है, जिस एरिया में सूखा पड़ता है, जहाँ पे डेजर्ट है गुजरात के उस एरिया में, जहाँ पे पानी, जहाँ पे सूखा है, जहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे जो है पानी पहुँचाया जाएगा। 9,490 विलेजेस एंड 173 टाउन्स एंड राजस्थान 124 विलेजेस। तो ये जो है सरदार सरोवर डैम का जो है ये टारगेट था कि उनको जो है पानी देना है गुजरात में 9,490 गाँव में, 173 टाउन में, और 124 गाँव जो है राजस्थान के, वहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा। इरीगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन विद फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। और कहते हैं इरीगेशन जो है, इरीगेशन से क्या हुआ, फसलों के जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें भी बदलाव आ गया बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारे एरिए में जो है क्रॉपिंग पैटर्न में भी जो है बदलाव आ गया, इरीगेशन में बदलाव आया पानी होने की वजह से, और वहाँ पर पानी की वजह से इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स बननी शुरू हो गई हैं। दिस हैज़ ए ग्रेट इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस लाइक सैनिटाइजेशन ऑफ द सॉइल, एट द सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप। और कहते इससे क्या हुआ, इससे जो बहुत इकोलॉजिकल, दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस, और कहते इससे जो है कुछ इकोलॉजिकल जो है कौन सी एनवायरमेंटल जो है कुछ निष्कर्ष हुए, नतीजे भी हुए हैं। क्या हुआ इसकी वजह से, सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, जो पानी है उसमें जो है सैलिनाइजेशन है, उसमें जो है खारापन है, मिट्टी जो है, सॉइल जो है मिट्टी के अंदर सैलिनाइजेशन है, इसमें खारापन है। एट द टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप, और दूसरे टाइम पे हम ये देखें तो पूरा हमारा सोशल लैंडस्केप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, चेंज हो चुका है। इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिच लैंड ओनर एंड द लैंडलेस पुअर। और कहते हैं इससे क्या हुआ, सो लैंडस्केप तो चेंज आ गया हुआ है, लेकिन इससे क्या हुआ, इंक्रीजिंग द सोशल गैप, और इससे जो है एक सामाजिक जो है गैप भी आ गया है, जो अमीर जमींदार हैं और जो गरीब हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके अंदर भी जो है एक सामाजिक जो है बहुत गैप है, उसमें डिफरेंस है। एज़ वी कैन सी द डैम्स डिड क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल वॉन्टिंग डिफरेंट यूजेज एंड बेनिफिट्स फ्राम द सेम वाटर रिसोर्स। और कहते हैं एज़ वी कैन सी स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि डैम्स जो है जब बनते हैं तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। डैम्स बनते हैं तो ये कन्फ्लिक्ट शुरू करते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों के जो डिफरेंट यूजेज हैं, लोगों के डिफरेंट बेनिफिट हैं सेम वाटर से। पानी कहते हैं वो सेम है, डैम्स का पानी है, लेकिन उसमें लोगों के जो है आपस में झगड़े होने लग जाते हैं, क्योंकि उनके तरीके डिफरेंट हैं यूज़ करने के लिए, उनके फ़ायदे अलग डिफरेंट हैं। इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एजिटेटेड एंड ऑलमोस्ट कॉज्ड अ रियोट ओवर ए हाई प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया। तो अब ये झगड़े किस तरह से होते हैं स्टूडेंट, हम एग्जांपल देख सकते हैं। गुजरात में क्या है, साबरमती बेसिन फार्मर कहते जो साबरमती बेसिन, वहाँ के साबरमती बेसिन के जो नदी के वहाँ के किसान हैं वो जो है बहुत गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में हैं, ऑलमोस्ट कॉज्ड अ रियोट ओवर ए हायर प्रायोरिटी, वो इसलिए गुस्से में है कि ज़्यादा पानी की प्रायोरिटी जो है, पानी जो ज़्यादा सप्लाई की जाती है अर्बन एरिया में दी जाती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट, और जब ड्रॉट सूखा होता है तो अर्बन एरिया में पानी दिया जाता है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर आल्सो बिकमिंग कॉमन विद रिगार्डिंग टू शेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इंटरस्टेट कहते स्टेट के अंदर ही झगड़े होते हैं, और ये स्टेट के अंदर ही पानी के ऊपर जो है कॉमन झगड़े होते हैं विद रिगार्ड टू द शेयरिंग द कॉस्ट के पानी का जो बिल का जो है उसमें जो है अर्बन एरिया में कुछ और है और जो रूरल एरिया में जो है उसमें पानी का कॉस्ट कुछ और है।
और बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और जो डैम के जो हैं बेनिफिट हैं और उसके ऊपर भी लोगों का झगड़ा रहता है। तो इंटरस्टेट में जो स्टेट के अंदर ही जो पानी है पानी के ऊपर डिस्प्यूट चलते हैं और ये जो है कॉमन डिस्प्यूट है। पहला ये कॉमन डिस्प्यूट तो है कि उसकी कोस्ट के ऊपर है और दूसरा है कि बेनिफिट के ऊपर है, किसी को बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं किसी को कम मिलते हैं। डू यू नो दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज़ ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स रेज्ड बाय द कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। स्टूडेंट आपको पता है कि डू यू नो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, कृष्णा और गोदावरी का जो है झगड़ा है आपस में, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी में का झगड़ा है, किस वजह से है? ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। और कृष्णा और गोदावरी नदी के ऊपर जो है झगड़ा किसका है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है गवर्नमेंट उनका डिस्प्यूट है। इट इज़ रिगार्डिंग द डाइवर्सन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। कहते ये क्यों है? इट इज़ रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर, ये इसलिए है कि ज़्यादा पानी जो है मोर वाटर जो कहाँ दिया जाता है कोयना में बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और कहते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है पानी जो है कोयना में ज़्यादा दे रही है फॉर ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए, इस वजह से यहाँ झगड़ा होता है। दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट्स विद एडवर्स कॉन्सिक्वेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और ये कहा गया है कि अगर ज़्यादा पानी कोयना में दे दिया जाएगा, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है कोयना में ज़्यादा पानी दे देती है, पानी का ज़्यादा बहाव कोयना की तरफ है, तो इससे क्या होगा? जो डाउन स्ट्रीम जो फ्लो है वो जो है रिड्यूस हो जाएगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा और पानी जो है फिर वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है नहीं मिलेगा। पानी एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी चाहिए, तो इसमें जो है पानी कम हो जाएगा। दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट्स विद एडवर्स कॉन्सिक्वेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए जो है इसके दूसरे ही नतीजे सामने आएंगे। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पज़ फॉर विच देवर बिल्ट। कहते मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन क्या है टू द प्रोजेक्ट्स? कहते डैम बनाए जाते हैं लेकिन ज़्यादा ऑब्जेक्शन कहाँ पे आते हैं स्टूडेंट? ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पज़ फॉर विच देवर बिल्ट, कि जिस पर्पज़ के लिए डैम बनाए जाते हैं वो पर्पज़ तो अचीव ही नहीं होता और वो उद्देश्य तो हासिल ही नहीं होता। आयरोनिकली द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वॉयर्स। और कहते हैं आयरोनिकली अगर हम ये देखा जाए तो स्टूडेंट डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड, डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये फ्लड को कंट्रोल कर सकें। हैव ट्रिगर्ड फ्लड ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वॉयर्स। और कहते हैं रिजर्वॉयर में क्या है, अंदर जो है सेडिमेंटेशन होता है और अंदर जो है वो मिट्टी जमा होती है, तो उसकी वजह से जो है फ्लड जो है वो पानी को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्व। रिजर्वर में क्या है, सेडिमेंटेशन जो है डिपॉजिट होती है। मोर ओवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। और कभी कभी तो ऐसे जो बड़े बड़े डैम हैं, ये तो एक कॉमन डैम है जहाँ पे सेडिमेंटेशन इतनी जमा होती है उनके तलहटी में और उसकी वजह से वो पानी ही नहीं अंदर कवर कर पाते। और जो बड़े डैम्स हैं वो क्या है, अनसक्सेसफुल हैं कंट्रोलिंग फ्लड, वो भी फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है, जब एक्सेसिव रेनफॉल आती है, तो वो भी कामयाब नहीं है। यू मे हैव सीन और रेड हाउ द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन एग्रावेटेड द फ्लड सिचुएशन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006। आप देख सकते हैं स्टूडेंट 2006 में जो है, यू मे हैव सीन, आपने देखा भी होगा पढ़ा भी होगा, रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, पानी का जो डैम का वाटर जो है रिलीज़ कर दिया था ड्यूरिंग द हैवी रेन। जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई तो क्या हुआ, जो डैम का पानी था, रिलीज़ ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रावेटेड द फ्लड सिचुएशन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। कहते बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और जो डैम का पानी था उसको भी छोड़ दिया गया और इससे क्या हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात में जो है 2006 में जो है वहाँ पर बाढ़ आ गई बहुत बुरी तरह। द फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवेस्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट आल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉयल इरोजन। और जब गुजरात और महाराष्ट्र में 2006 में बाढ़ आई तो क्या हुआ स्टूडेंट, द फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवेस्टेटेड लाइफ, इससे सारी जिंदगी तबाह नहीं हुई, जिंदगी और प्रॉपर्टी ही तबाह नहीं हुई, और क्या हुआ, इससे सॉयल इरोजन हो गया। सेडिमेंटेशन आल्सो मीन दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्रीव्ड ऑफ सिल्ट।
और कहते हैं सेडिमेंटेशन का क्या मतलब है, सेडिमेंटेशन आल्सो मीन, सेडिमेंटेशन का ये भी मतलब है कि फ्लड प्लेन एरिया में जो है डिप्रीव्ड ऑफ सिल्ट, कि वहाँ पे सिल्ट नहीं मिलती है फ्लड प्लेन एरिया में। इन नेचुरल फर्टिलाइजर और डिप्रीव्ड ऑफ सिल्ट, इन नेचुरल फर्टिलाइजर फर्दर एडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। और कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र है, इसके अलावा और क्या है कि एडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ, और जो लैंड डिग्रेडेशन है वो प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरल फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम आ रही है बाढ़ की वजह से। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इंड्यूस अर्थक्वेक, और ये भी देखा गया है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जब बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है अर्थक्वेक भी आते हैं। और क्या होता है, कोज्ड वाटर बॉर्न डिसीज़, और पानी के अंदर जो है पानी में पैदा होने से, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां भी फैलती हैं। एंड पेस्ट एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, और ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है पॉल्यूशन भी होता है और पेस्ट भी होता है, और पानी के अंदर कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं। स्टूडेंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, के बारिश के पानी को बचाना। मैनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वॉज ए वायबल अल्टरनेटिव बोथ सोशो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। और कहते हैं मैनी थॉट, बहुत लोगों ने ये सोचा, गिवन द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, कहते हैं ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए डैम बनाए गए हैं तो इसके अगेंस्ट में लोग थे, और तो फिर लोगों ने ये सोचा कि जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज ए वायबल अल्टरनेटिव, कि इसका अल्टरनेटिव ठीक है, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं डैम बनाए जाते हैं, इसके जो है डिसएडवांटेज भी हैं, तो उसकी जगह पर जो है हम पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, पानी को जो है कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए एक दूसरा भी जो सिस्टम है वाटर हार्वेस्टिंग है, और ये क्या है सोशियो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली जो है अच्छा है। इन एंशियंट इंडिया अलोंग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और प्राचीन टाइम में क्या होता था, जब प्राचीन भारत था, एंशियंट इंडिया में क्या था स्टूडेंट, अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते थे पानी को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और उस समय उनके पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था कि पानी को जो है सेव करके रखना। पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजम्स एंड सॉइल टाइप्स एंड डिवेल्प्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, और लोगों के पास क्या था नॉलेज थी, पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजम, लोगों को जो है रेनफॉल के बारे में पता था, अच्छी नॉलेज थी उनको, और उनको सॉइल टाइप का भी पता था, मिट्टी की टाइप का भी पता था, और डेवलप वाइड रेंजिंग टेक्निक, और उन्होंने जो है धीरे धीरे जो है बड़ी टेक्निक को अपनाना शुरू कर दिया ताकि वो वाटर को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकें, रेन वाटर को जो है सेव कर सकें, और ग्राउंड वाटर को, रेन वाटर हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर, इन कीपिंग द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स। और कहते हैं लोगों के पास जो है टेक्निक थी, उन्होंने सोचा कि रेन वाटर को जो है हार्वेस्ट करो, कंजर्व करो, ग्राउंड वाटर को सेव करो, रिवर वाटर्स को सेव करो, फ्लड वाटर जो है उसको जो है कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स, लोगों की नीड्स को देख के, इकोलॉजिकल कंडीशन को सोच के जो है उन्होंने कहा पानी को सुरक्षित करो। तो फिर उसके लिए वो क्या करते थे स्टूडेंट, इन हिल्स एंड माउंटेन्स रीजन, जहाँ पे पहाड़ थे, पर्वत थे, उस एरिया में क्या था, पीपल बिल्ड डाइवर्सन और चैनल्स, लोग जो है अलग अलग चैनल बनाते थे, लाइक द गुल्स और कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। और वेस्टर्न हिमालय में लोग क्या करते हैं, गुल्स और कुल बनाते थे, कुल्स बनाते थे, इसमें क्या करते थे वो पानी को सेव करते थे एग्रीकल्चर के लिए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, और कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर, जो छत पे पानी आता है उस पानी को भी जो है स्टोर किया जाता था, सेव किया जाता था ड्रिंकिंग वाटर के लिए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसकी प्रैक्टिस की जाती थी, इसको जो है यूज़ किया जाता था टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो है पीने का जो है उसको स्टोर किया जा सके, पर्टिकुलरली इन राजस्थान, राजस्थान में ऐसा स्पेशली होता था। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इन एंशियंट चैनल टू इरीगेट देयर फील्ड्स,
और कहते हैं जो बंगाल में, बंगाल का जो प्लेन एरिया है जहाँ पे फ्लड्स आते हैं, वहाँ पे भी लोगों ने जो है चैनल बना रखे हैं, इनोडेशन चैनल बना रखे हैं, इरीगेट देयर फील्ड, अपने फील्ड्स को जो है इरीगेट करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए उन्होंने चैनल बनाए हैं ताकि उसमें पानी जो है सुरक्षित कर सकें। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इन टू रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। और जहाँ पे कहते हैं शुष्क एरिया या सेमी शुष्क एरिया, वहाँ पे लोगों ने क्या किया है, एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेनफॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर। जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो इन्होंने किस तरह से बना लिए, उन्होंने इस तरह से ये फील्ड जो है बना लिए, उस तरह से खुदाई की है उन्होंने खेतों में कि वहाँ पर पानी स्टोर हो सके, कि खेत इस तरह से बना दिए जैसे रेनफॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर हो, कि वो इस तरह से बना हुआ हो और चारों तरफ से उन्होंने जो पानी खेतों को इस तरह से खुदाई की होती है कि उसमें जो है जब बारिश का पानी आए तो वो भर सके। दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड, कि वहाँ पे पानी जो है रुका रह सके, मॉइस्चर इन द सॉइल, और वहाँ पे जो उनकी सॉइल है वो हमेशा जो है उसमें मॉइस्चर लगे, मॉइस्चर रहे, लाइक द खादिन्स इन जैसलमर एंड जोहर इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। कहते जैसलमेर जो है वो खादिन्स बनाते हैं, खादिन कहते हैं उनको जो वो खेत बनाते हैं और खेत को इतना गहरा खोद देते हैं और फिर वहाँ पे जो अपनी फसलें उगाते हैं, और उनको ये होता है जब बारिश आएगी तो पानी वहाँ पे जो है रहेगा, वहाँ पे हमेशा रहेगा और जो हमेशा ज़मीन हमेशा मॉइस्चर रहेगी। और जोहर जो है राजस्थान में बोलते हैं। यू कैन सी दिस इमेज ऑफ वाटर हार्वेस्ट, आर यू ए वाटर हार्वेस्टर, क्या आप पानी को आप बचाते हैं। दिस मानसून ज्वाइन अस इन काउंटिंग द रेनड्रॉप्स, और इस मानसून में जो है आप रेनड्रॉप्स को काउंट कीजिए कि पानी कितना आया है। यू कैन सी नेक्स्ट इमेज रिचार्ज थ्रू द हैंडपम्प, देखिए बारिश का पानी है छत पे आ रहा और इसको किस तरह से जो है छत से आ रहा पाइपों से, फिर सेव किया, फिर उसके बाद जो है हैंडपम्प से इसको यूज़ किया जा रहा। स्टूडेंट यू कैन सी नेक्स्ट इमेज रिचार्ज हो अबंडन डगवेल, कि ये देखिए पानी को जो बारिश का पानी है इसको भी जो है इस तरह से सेव किया जा रहा, कंजर्व किया जा रहा। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि छत के ऊपर पानी आता है और उसको फिर हार्वेस्ट किया जाता है, सेव किया जाता है। स्टूडेंट हेयर देर आर सम पॉइंट्स ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग ए पीवीसी पाइप, और कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर जो है जो छत पे पानी आता है बारिश को उसको कलेक्ट किया जाता है पीवीसी पाइप से और फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, और फिर कहते हैं फिल्टर किया जाता है, सैंड और ब्रिक्स यूज़ की जाती हैं। अंडरग्राउंड पाइप टेक्स वाटर टू सम्प फॉर इमीडिएट यूज़, अंडरग्राउंड पाइप टेक्स, और जो अंडरग्राउंड पाइप है वो लगाए जाते हैं अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर पाइप लगाए जाते हैं ताकि पानी को जो है सम्प तक लेके जाया सके। सम्प होता है उनकी जो टंकी होती है, टंकी में पानी आ जाता है फॉर इमीडिएट यूज़, इमीडिएट यूज़ के लिए उनकी टंकी में पानी आ जाता है। एक्सेस वाटर फ्रॉम द सम्प इज टेकन टू द वेल, और कहते हैं ज़्यादा पानी होता है जो टंकी से ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको जो है कुएं तक ले जाते हैं। वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्ज अंडरग्राउंड, और कहते हैं बाकी पानी जो है कुएं में डाल दिया जाता है, तो कुएं से क्या होता है जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है। देन टेक्स वाटर फ्रॉम द वेल, फिर उसके बाद में लीटर लीटर के बाद में टेक्स वाटर फ्रॉम द वेल, फिर जब ज़रूरत हो तो कुओं से पानी भी लिया जा सकता है। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट थर्ड ऑफ दिस लेसन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग आई शेल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड, यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस लेसन। एंड स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओबे योर पेरेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।